हे गाइस, वेलकम बैक टू YouTube चैनल सत्या ट्रेडर। गाइस, आज के इस वीडियो में अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं लाइव, और लाइव ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे और लाइव हमारे क्यूबिक्स के चार्ट पे हम जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को समझ के ट्रेडिंग करने वाले हैं। होपफुली गाइस, इस वीडियो में आपको 90% से लेकर 100% तक की एक्यूरेसी देखने को मिलने वाली है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में लगभग मैं जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को एक ठीक तरीके से ड्रॉ करके, ठीक है, क्योंकि हमारे क्यूटेक्स के पैटर्न पे, हमारे क्यूटेक्स के लाइव चार्ट पैटर्न पे वहां पे थोड़ा इशू होता है। क्या? क्योंकि हम जो है हमें वहां पे प्रॉपरली चार्ट नहीं दिखता है। मान लो हमें प्रॉपर गैप अप के साथ चार्ट देखना है, पूरा जो एक दिन का चार्ट देखना है या फिर एक हफ्ते का चार्ट देखना है, तो वहां पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम जो है ट्रेडिंग व्यू का यूज करके वहां पे हम एक हफ्ते का छोड़, एक महीनों का, सालों का चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें वहां पे ये चीज देखने को नहीं मिलती है क्यूटेक्स के लाइव चार्ट। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने ट्रेडिंग व्यू को यूज करके और क्यूटेक्स पे जो है इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है इस्तेमाल करके यहाँ पे प्रॉफिट बनाने वाले हैं। कहाँ पे ये लेवल्स काम करेंगे, कहाँ से जो है मार्केट कहाँ जाने वाला है और किस लेवल को ब्रेक करके जो है मार्केट अपवर्ड जाएगा, कहाँ जो है डाउन जाएगा। और होपफुली गाइस, कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपका सारा जो है डाउट क्लियर होने वाला है। तो फिलहाल लेके जाने वाला आपको अपने लाइव जो है लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहीं पर समझाने वाला हूँ कैसे कैसे क्या यहाँ पे चीजें गाइस होती है, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है, अगर आपने सीख ली तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में वही एक मेन चीज होती है, इसको हम उसको फंडामेंटल में ले जा सकते हैं एंड टेक्निकल एनालिसिस। जो लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस हमें कैसे सीखना चाहिए, कैसे सीख सकते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं वो यही टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है। चाहे इसको आप जो है यूज करें स्टॉक मार्केट में या फिर यूज करें फॉरेक्स के मार्केट में या फिर बाइनरी के मार्केट में, तीनों जगह सेम ही चीजें काम करती हैं, ठीक है। तो एक बार आप जो है इनको देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए, अगर समझ में चीजें आती हैं तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्यूटेक्स अकाउंट अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो फटाफट जाइए, क्यूटेक्स का भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देन ST50 को आप यूज करेंगे तो आपको जो है 50% का वेलकम बोनस और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, फिलहाल हम लेके चलते हैं आपको अपने लाइव जो है मार्केट के चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ अपने लाइव जो है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी का मैंने लाइव जो है करेंसी ओपन करके रखी है, और यहाँ पे मैंने दो इंडिकेटर वगैरह अप्लाई करके रखे हैं। यहाँ पे हमारा एक MACD वगैरह रहा, MACD जो हमें इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, जो आपको SEA वगैरह दिख रहा है, तो इसको हम यूज अभी इसमें यूज उतना ज्यादा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगाए हुए हैं आपके सामने आसानी से यहाँ पे दिख रहे हैं। 5 मिनट का ये चार्ट है, और इसको मैं अगर जूम आउट करके देखूं आप सभी के सामने, ठीक है, मैंने जूम इन कर लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा रेजिस्टेंस ये पहला रेजिस्टेंस है, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस, यानी R1, R2, R3, ठीक है। और उसी के नीचे है हमारा ये गाइस, आप नीचे की साइड देखें, इसको ऊपर ले जाऊं तो यहाँ पे देख लीजिए S1, S2, S3, मतलब सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ठीक है, मतलब पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट एंड तीसरा सपोर्ट, ठीक है। तो अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ठीक तरह से लाइंस वगैरह को ड्रॉ करना है तो आपको जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। कौन सा इंडिकेटर, जिसको आप जो है वाई डिफॉल्ट जो है यूज करके आप इजिली कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहते हैं इस चीज को तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये चीज आपको मैं टेलीग्राम पे ही बताऊंगा, हाल ही में इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना बताने वाला हूँ कि ये चीज वर्क कैसे करती है, वो यहाँ पे वो देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो है MACD का यूज नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज, ठीक है। हमारा सपोर्ट हमने आपको बता दिया, ठीक है, सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। ये हमारा रेजिस्टेंस से ऊपर जो लाइन हमारी ड्रॉ करते हैं वो हमारा रेजिस्टेंस होता है, नीचे की साइड वाला होता है हमारा सपोर्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो P1 वाली लाइन है ये क्या है, ये P1 वाली लाइन का ये चीज है कि अगर P1 की लाइन को इसने क्रॉस अप किया मार्केट ने डाउन के लिए तो मार्केट डाउन चलता है, अगर इसने अपवर्ड कर दिया तो अपवर्ड चलेगा, ठीक है। अपवर्ड आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है 5 मिनट का कि अगर इसने क्रॉस कर दिया डाउन के लिए तो आपको डाउन के लिए बिंदास ट्रेड कर लीजिए, आपको 90% चांसेस है कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है। सो ये चीज है इसका, ये फंडा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे अपना, यहाँ पे जो टाइमिंग है हमारी, वो टाइमिंग है हमारी क्या, 5 मिनट, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी टाइमिंग को चेंज कर देंगे, ओके। सो यहाँ पे हम टाइमिंग को करेंगे 1 मिनट, और अब हम लेके जाएंगे आपको अपने क्यूटेक्स के लाइव चार्ट पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,85,000 का लाइव बैलेंस है। देन यहाँ पे सबसे पहले अपना अमाउंट इंक्रीज कर लूंगा, ठीक है, अमाउंट करूंगा अपना जो है 30,000 रुपए, ओके। हमारी यही वाई डिफॉल्ट जो है ट्रेड होने वाले, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले चार्ट वगैरह को रिमूव कर दूं, बिकॉज हम लेंगे यूरो यूएसडी के चार्ट को, ठीक है, नीचे की साइड ये रहा यूरो यूएसडी, क्योंकि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम इसी को यूज करके इसी पे ट्रेड करने वाले। तो 1 मिनट का चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओके। और यहाँ पे अपना टाइमिंग को चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम टाइमिंग लगभग जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप जो है ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लगभग वही 3 से 5 मिनट की ट्रेड जो है लगानी पड़ेगी, तब जाके आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो अब हम आएंगे वापस से अपना जो है यूरो यूएसडी के चार्ट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम इन थोड़ा सा करूँ, कैंडल्स को थोड़ा उठाऊं तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा। अब गाइस देखो, इसने P1 की लाइन को क्रॉस नहीं किया है, और यहाँ से गाइस मार्केट जो है मूव करेगा डाउन के लिए, यहाँ से मार्केट मूव करेगा डाउन के लिए। तो हमने बिना सोचे समझे
हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना 3 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे और 3 मिनट की मैंने एक ट्रेड लगा दी अपनी डाउन डायरेक्शन। 90% चांसेस है मेरी ट्रेड प्रॉफिट होनी चाहिए, बिकॉज अब मैं आपको जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने ये ट्रेड प्रेस क्यों करी है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम जूम इन करेंगे ताकि आपको ठीक तरीके से दिखे। ओके, चलिए इसको हम रिमूव ही कर देते हैं, तब हम जो इसको जो है एक बार और वापस से ले लेंगे। ठीक है, प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे फिर से वापस से ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे, सर्च वाले सिंबल पे जाएंगे। ओके गाइस, और यहाँ पे हमारा ये रहा यूरो यूएसडी, वापस से हमने सेलेक्ट कर लिया यूरो यूएसडी। ओके, फिलहाल हम जो ट्रेड प्रेस करी थी आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे, ओके यूरो यूएसडी 5 सेकंड का चार्ट है, 5 मिनट का सॉरी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो ट्रेड यहाँ पे प्रेस करी थी उसके बाद जो कैंडल नेक्स्ट वाली डाउन बनी है, और हमारा इसके बाद लगभग 1 मिनट का टाइम बचेगा। ठीक है, इसको हम ऊपर की साइड कर देते हैं। ओके, और इसको कर देंगे थोड़ा सा हैवी ताकि हमें क्लियरली दिखे, तो आपको यहाँ पे कैंडल्स वगैरह ठीक से दिख रही होंगी। ठीक है, तो मैंने इस पोजिशन पर ट्रेड अपनी लगाई थी और यहाँ से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट डाउन जाए, बिकॉज इसने P1 की लाइन को टच किया था, और P1 को या तो क्रॉस कर दे तब मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर गए इसको टच करके नीचे आए, यानी इसको या तो देखो ऊपर की साइड क्रॉस कर ले तो मार्केट ऊपर की साइड सस्टेन करेगा, लेकिन क्रॉस नहीं करता है, उसी के इर्द गिर्द मार्केट घूम रहा है। तो गाइस यहाँ पे चांसेस है कि आप जो है अपोजिट की राय अपने ट्रेड प्रेस कर लो, यानी अपोर्ट जा रहा मार्केट तो आप डाउन के लिए लगा दो। ठीक है, मैंने वही किया यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिनट का पूरा टाइम बचा है, एक मिनट हमारा डिसाइड करेगा हमारी ट्रेड जो है प्रॉफिट में जाने वाली है या फिर लॉस में जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगी हमारी इस ट्रेड में, बिकॉज गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज है, अगर आपने समझ लिया क्लियरली तो आपको और कोई इंडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ट्रेडिंग में मेन चीज होती है गाइस आपका सबसे पहले होता है मैनेजमेंट, एक मनी प्रॉब्लम, जो आपका मनी होता है, मनी को आप किस तरह से मैनेज करते हैं। मान लो आपके पास $50 है और इसके आप जो $1-$2 करके ट्रेड प्रेस करते जा रहे हैं, ठीक है, यानी $1-$2 यूज करके ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका इजिली मेंटेन हो जाएगा, आप इजिली जो है प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन गाइस एक चीज और होती है यहाँ पे, अगर आपको ट्रेडिंग में और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप ज्यादा फंडामेंटल में ना पढ़ते हो, आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लीजिए, दूसरी आप कैंडलसिस का साइकोलॉजी सीख लीजिए, कैंडलसिस कौन से कहाँ पे फॉर्म होते हैं और इनके बनने से मार्केट कहाँ जा सकता है। ठीक है, एक ये चीज सीख लीजिए। ट्रेडिंग में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मैं 3 चीजों को इंपॉर्टेंट मानता हूँ, कैंडलसिस पैटर्न, दूसरा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा हमारा मनी मैनेजमेंट। ठीक है, इन तीनों के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपको इजिली मार्केट में प्रॉफिट देखने को मिले, चाहे वो ओटीसी का मार्केट हो, चाहे वो बाइनरी मार्केट हो, चाहे वो हमारा क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो हमारा फॉरेक्स या फिर स्टॉक मार्केट क्यों ना हो। ठीक है, हर जगह यही चीज काम करती है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 56,700 रुपए का यहाँ पे बैलेंस आपको दिखा रहा है। ठीक है, देन हमारी जो पहली ट्रेड थी हमारी क्लियरली यहाँ पे प्रॉफिट हो चुकी है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड 1 मिनट की और डाउन डायरेक्शन में डालेंगे, बिकॉज मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हुआ है अब डाउन की तरफ। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जैसे ही गाइस ने P1 की लाइन को टच कर लिया मार्केट अब डाउन की तरफ गिरेगा, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम कर रहा है आप इस चीज को देख के यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कितनी भी ट्रेड करते जाओ, बस अपने लेवल्स को देखते जाओ कि हमारा लेवल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड को, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ भाई आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे जाऊँ क्यूटेस्ट के, तो यहाँ पे मैं देखूँ क्या चल रहा है। फिलहाल 14 सेकंड बचे हुए हैं और क्लोज मूवमेंट पे हमारी ट्रेड चल रही है, बिकॉज 1 मिनट की ट्रेड थी इसलिए हमने आपको बताया था। ओके, 8 सेकंड बचे हैं, बहुत ही क्लोजली मूव कर रही है हमारी ये ट्रेड। ठीक है, हमने 1 मिनट की ट्रेड डाली थी गाइज, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे 1 मिनट की ट्रेड थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, फिलहाल इसको हम बोलेंगे तो रिस्की, क्योंकि हमारी रिफंड हो चुकी है, इसे ये हमारी भी लॉस भी नहीं हुई है। ठीक है, बट कोई नहीं, हमें एक कैंडल का मोमेंटम जो है अपोर्ट की तरफ मिला है, थोड़ा सा ये सस्टेन करे थोड़ा डाउन के लिए, तब हम जाके इसको जो है अपोर्ट पे इसको जो है ट्रेड प्रेस करेंगे। ठीक है, बिकॉज इस लेवल पे तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये लेवल रिस्की है और यहाँ पे ट्रेड करना ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा डाउन आए और यहाँ पे हम अपोर्ट के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे, बिकॉज हमारे पास 8 सेकंड बचे हैं वरना 1 मिनट के लिए जाएगा। चलिए, मैंने 30,000 की 3 ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी है 1 मिनट की, 30 सेकंड किसको बोल सकते हैं, 29 सेकंड बचे हैं कैंडल के लास्ट एंडिंग टाइम पे, एंडिंग मोमेंटम पे। सो यहाँ पे ये थोड़ा मैंने रिस्की ट्रेड लिया, बिकॉज आपको पता है कि मैंने यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या मोमेंट कर रहा था, देख लीजिए हमारा MACD का इंडिकेशन भी डाउन के लिए आ गया, भैया यहाँ से मार्केट डाउन ही गिरेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम है यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का, बट 13 सेकंड बचे हुए अभी, फिलहाल ये एंड हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रेड डालेंगे यहाँ पे। ओके, 2 मिनट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रहेंगे हमारे इन्वेस्टेड, फिलहाल हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट प्रॉफिट हो, हमारी प्रॉफिट हो चुकी है, हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो हमने यहाँ पे 2 मिनट की 2 ट्रेड डाल दी है। ठीक है, डाउन डायरेक्शन में आप खुद ही देख सकते हैं, हमने यहाँ पे अभी तक जितनी ट्रेड प्रेस करेंगे हमने अभी किसी में लॉस नहीं किया, यहाँ पे ये भी ट्रेड प्रॉफिट थी, इसके बाद ये सेकंड ट्रेड प्रॉफिट, थर्ड ट्रेड हमारी रिफंड थी, देन हमारी अभी 4th ट्रेड अभी चल रही है। ठीक है, देखते हैं कि क्या इसमें हमें देखने को मिल सकता है अभी। ओके, अभी तो फिलहाल मार्केट सस्टेन कर रहा है भैया ऊपर की तरफ, और हमारे पास लगभग 1 मिनट का टाइम बचा है, 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम बचा है। ठीक है, तब मैं इसको स्लाइड कर लेता हूँ डाउन की तरफ और यहाँ पे देखूंगा कि क्या चल रहा है जो है हमारे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा है, अभी भी हमें सस्टेन कर रहा है भैया। MACD हमें इंडिकेट किया डाउन के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उन्होंने जो गलत डिसीजन लिया था अपना ट्रेडिंग का, अपॉर्ट एक्सन वो हमारा लॉस हो गया था, लॉस नहीं, थोड़ी रिफंड हुआ था,
ठीक है, अभी तक हम जो है 100% क्या किया उसी के साथ हैं, बिकॉज हमारी कोई ट्रेड अभी लॉस नहीं हुई है, ठीक है, तो इसलिए हम अभी प्रॉफिट में हैं। फिलहाल देखते हैं, अभी ये कैंडल बनी है, सस्टेन करी ऊपर की तरफ, नेक्स्ट कैंडल हमारी डिसाइडर होगी इस ट्रेड की कि हमें क्या देखने को मिलता है, प्रॉफिट या फिर लॉस, लेकिन अभी इंतजार करेंगे। दो ट्रेड हमारी इन्वेस्टेड है 30,000 रुपए की, इसके बाद जो है हमें मार्केट पर चल जाएगा, हम जो है क्या यहाँ पे इससे अमेजन कर सकते हैं। अभी तक तो हमने तीन चार ट्रेड डाले, चारों प्रॉफिट है, उनमें से एक हमारी रिफंड है। 41 सेकंड हमारे पास बचे हैं इस ट्रेड के एंड होने में, अच्छा खासा रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस, ठीक है। अगर आप गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है, मैंने आपको ये चीज लाइव करके दिखाई है इसीलिए, ठीक है। काफी लोग बोलते हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करता, तो ऐसा नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खूब काम करता है, बस आपको उसको सस्टेन एंड यूज करना आना चाहिए। अगर आपको यूज करना आ रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो आप जो इजीली गाइस मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं, कोई दोराई नहीं है, ठीक है। और 14 सेकंड बचे हुए हैं, हम जो है मार्केट से प्रॉफिट बनाने में थोड़े से ही दूर है, और यहाँ पे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से होने वाला है। 5 सेकंड 4 सेकंड 3 सेकंड और ये भी ट्रेड गाइस हमारी 100% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट है। 114,600 रुपये का हमने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है। 30,000 रुपये की हमारी ट्रेड थी, दो ट्रेड हमने यहाँ पे प्रेस करी थी, और दोनों की दोनों हमारी 100% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट रही है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था गाइस कि जो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा लगभग जो है 90% से लेकर 100% तक काम कर रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा मैंने किस तरीके से यहाँ पे सारी की सारी ट्रेड प्रेस करी है, ठीक है, और सारी की सारी ट्रेड मेरे को प्रॉफिट भी हुई है। लगभग मैंने उन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। तो गाइज आप भी अगर इसको यूज करना चाहते हैं, कैसे आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में, ठीक है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं भी आपको रिप्लाई कर पाऊंगा मैं, और उसी चैनल में आपको बता पाऊंगा कि कौन सी चीजें कहां पे क्या काम करती है, ठीक है। सो उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, जाके फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको फ्री सेवन प्रोवाइड कराता रहता हूं। देन अगर आप जो कोई फंडामेंटल एनालिसिस अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी टेलीग्राम ही है। अगर आपने क्यूटस का अकाउंट भी क्रिएट नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट जाओ क्रिएट करो, देन ज्वाइन करो गाइज वीआईपी वगैरह को। ओके, फाइनली गाइज जो चीज मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई होगी, जो भी अगर कुछ आपका डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, बाकी का मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइज।